निगम के महापौर नरेंद्र चावला जी इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आज क्यों ये प्रदर्शन हो रहा था सर, क्या मुद्दा था आज आपका? हम बहुत दिनों से केजरीवाल साहब से समय मांग रहे थे, बहुत समय से अपनी मांगों को लेकर के बार बार उनको लिख रहे थे, बार बार उनको मेल भेज रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने उनको एक मेल लिखी और हार्ड कॉपी भी उनके दफ्तर में भिजवाई थी, उनसे मिलने का समय मांगा था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हमारी मांग ये है कि जो दिल्ली सरकार है, हमारे पैसे, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो कि निगम सारे काम सेवाएँ दिल्ली की जनता को निगम ही देते हैं, दिल्ली सरकार सेवाएं देने, सफाई करना या सड़क बनाना या खड़ंजे बनाना, लाइट लगाना, पार्क डेवलप करना, नर्सरी और प्राइमरी तक की एजुकेशन की जो जिम्मेवारी है वो भी हम निगमों की है, इन सब कामों को करने के लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, जो दायित्व है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल, वो दिल्ली सरकार को निगमों को पैसा प्रोवाइड करना चाहिए, बजट देना चाहिए, जिस पे उन्होंने भारी कटौती कर दी है और आने वाले समय में बल्कि वो पैसा वापस मांग रहे हैं, घड़े मुहैया कराएंगे, उसमें कुछ नहीं दिया गया, उसमें जगलरी की गई है। हमारे प्लान हेड्स और नॉन प्लान हेड्स को सबको क्लब करके उसमें नॉर्थ और ईस्ट को शेयर बांटने के बाद हमारे साउथ के लिए पैसा छोड़ा है, वो बहुत ही कम है, जो जानबूझकर, क्योंकि साउथ बहुत अच्छे से काम कर रहा था, साउथ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए लोगों में उसका संदेश बहुत अच्छा था, इसके लिए भी उन्होंने अपने राजनीतिक द्वेष को अपने दिमाग में रखते हुए, अपनी राजनीतिक खेल को करते हुए जानबूझ करके ये खेल रचा है कि हम ये निगम पंगू हो जाए और दिल्ली की जनता बीमार हो जाए। दिल्ली तीनों नगर निगम के जो पार्षद हैं, भाजपा पार्षद हैं, वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर, इन्हीं से बात करते हैं, क्या कुछ मुद्दा है, क्यों प्रदर्शन? देखिए, केजरीवाल सरकार जिस तरह से तीनों नगर निगमों के साथ व्यवहार कर सौतेला व्यवहार कर रही है, और हम लोग भी एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो निगम का पैसा बनता है, जिससे निगम को पंगू बना रही है दिल्ली सरकार, हम लोग उनके साथ ये नहीं बनाने देंगे। हम लोग अपनी मांग के साथ जो हमारा बकाया पैसा है, जैसा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का हमारा चौथा वित्त आयोग का 6584 करोड़ रुपये बकाया है, ये हमारा पैसा दें और हम अपनी जनता के काम करें। नहीं, लेकिन कल जो बजट आया सर, उसमें भी आवंटन किए गए हैं निकायों के लिए, तो उसमें क्या परेशानी है? उसमें भी जो पहले जो नगर निगम के लिए उन्होंने रखा था वो पैसा इसमें से भी घटा दिया, जबकि दिल्ली सरकार अपने बजट में अपना फंड का पैसा बढ़ा लिया और नगर निगम का पैसा घटा दिया। तो इस तरह से भेदभाव जिस तरह से नगर निगम के साथ कर रहे हैं वो हम लोग नहीं करने देंगे। क्या चाह रहे हैं, क्या मांग लेके आए हैं यहाँ पे? हमारी मांग यही है दिल्ली सरकार से, जो हमारा बकाया पैसा है वो बकाया पैसा दें और दिल्ली सरकार जो निगम के साथ भेदभाव कर रही है वो भेदभाव न करे। बॉर्डर पर तनाव चल रहा है और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, आपने देखा होगा जरूर, न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, ऐसे समय में ये सब धरना प्रदर्शन करना शोभा देता है सर? देखिए, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सैनिकों के साथ खुली छूट दे रखे हैं और उसका निरंतर हम जवाब दे रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का हमने ध्वस्त किया, हम निरंतर ध्वस्त करेंगे। तो सीधे तौर पर जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने इन्हें फंड नहीं दिया है और माननी चाहिए और इनको फंड देना चाहिए। आकाश शर्मा, दिल्ली, ETV भारत।